दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी पर्व भगवान कृष्ण के जन्म की खुशी में मनाया जाता है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं अनुसार भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आधी रात में भगवान विष्णु के आठवें अवतार श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस दिन को श्री कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसी तिथि को अंधेरी रात में रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वसुदेव और उनकी पत्नी ने श्री कृष्ण को जन्म दिया था। भारत में जन्माष्टमी के पर्व को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन मंदिरों और कॉलोनियों में कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इस साल जन्माष्टमी पर सर्वाद्य सिद्धि योग के साथ कृतिका नक्षत्र संयोग बन रहा है। इस योग और नक्षत्र में लड्डू गोपाल की आराधना करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। वहीं दोस्तों, इस दिन की जाने वाली पूजा को हमेशा संपूर्ण सामग्रियों से करना चाहिए, इससे कान्हा जी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, दो दिन जन्माष्टमी मनाए जाने का कारण ये है कि समार्थ इस्कॉन पर आधारित कृष्ण जन्म की तिथि का पालन नहीं करते। समार्थ उन्हें कहते हैं जो स्मृति आदि धर्म ग्रंथों को मानते हैं और इसी के आधार पर व्रत आदि करते हैं। वहीं दूसरी ओर वैष्णव उन्हें कहते हैं जो विष्णु के उपासक होते हैं और विष्णु के अवतारों को मानने वाले होते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्र कृष्ण अष्टमी तिथि बुधवार रोहिणी नक्षत्र एवं वृषभ राशि में मध्य रात्रि को हुआ था। ज्योतिषाचार्य के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि को श्रद्धालु श्रद्धा भाव से मनाते हैं। भगवान कृष्ण की पूजा करने के लिए जन्माष्टमी का दिन बेहद ही शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इस साल कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व 26 अगस्त के दिन मनाया जाएगा। इस दिन जयंती योग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में जन्माष्टमी का व्रत करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। बता दें, कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व को कृष्ण जी के जन्म उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उन्हें विष्णु जी के आठवें अवतार के रूप में भी पूजा जाता है। हर वर्ष भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। ये दिन श्री कृष्ण को समर्पित होता है। जन्माष्टमी के इस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा उपासना की जाती है। मान्यता है कि भगवान कृष्ण के शरणागत रहने वाले जातकों को मृत्यु लोक में स्वर्ग समान सुखों की प्राप्ति होती है। इसी कड़ी में आइए जान लेते हैं कि इस साल कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत कब रखा जाएगा। इस साल भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 26 अगस्त की रात 3:39 पर होगी। 27 अगस्त रात 2:19 पर इसका समापन होगा। ऐसे में 26 अगस्त 2024 के दिन कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखा जाएगा। शास्त्रों में जन्माष्टमी के व्रत को 1000 एकादशी व्रत के समान माना गया है और 100 बार गंगा स्नान करने का जो पुण्य मिलता है मात्र जन्माष्टमी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। और भक्तों, जाप का अनंत गुना फल देने वाला जन्माष्टमी का ये दिन जाप और रात्रि जागरण का विशेष महत्व रखता है। इसीलिए जन्माष्टमी की रात में जागरण करके भगवान के भजन कीर्तन अवश्य करने चाहिए। मित्रों, भविष्य पुराण में इस व्रत के संदर्भ में उल्लेख है कि जिस घर में ये कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत किया जाता है वहाँ अकाल मृत्यु गर्भपात किसी भी माँ के बच्चे गर्भ में नहीं मरते, गर्भ ठहरता है, वैधव्य दुर्भाग्य तथा कलह नहीं होता। जो एक बार भी इस व्रत को करता है उसे श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वो प्राणी संसार के सभी सुखों को भोगकर विष्णु लोक में निवास करता है। भक्तों, अब बात कर लेते हैं जन्माष्टमी पूजन विधि की। हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण की पूजा सभी संकटों से निकालकर सुख समृद्धि और सौभाग्य का वरदान देने वाली मानी गई है। जन्माष्टमी के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके व्रत का संकल्प लें। अगर नॉर्थ ईस्ट में भगवान कृष्ण को लगाया जाए तो दोस्तों, आप अपने जीवन में धर्म युद्ध में खड़े हैं, कर्म क्षेत्र में खड़े हैं, तो वहाँ आपकी जीत सुनिश्चित है और आपकी जितनी
जितनी भी परेशानियां हैं उन्हें कन्हैया दूर कर देते हैं। माता देवकी और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र पालने में स्थापित करें और भक्तों पूजन में देवकी, वसुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा आदि देवताओं के नाम से जाप करें। रात्रि में 12 बजे के बाद श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएं। भक्तों जन्माष्टमी पर कृष्ण कन्हैया को पीले चंदन या फिर केसर का तिलक जरूर लगाएं। साथ ही साथ उन्हें मोर का मुकुट और बांसुरी जरूर अर्पित करें। लड्डू गोपाल को पंचामृत से अभिषेक कराकर भगवान को नए वस्त्र अर्पित करें और झूला झुलाएं और तुलसी डालकर माखन मिश्री व धनिये की पंजीरी का भोग लगाएं। तत्पश्चात आरती करके प्रसाद को वितरित करें। भक्तों चलिए जानते हैं जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण की जन्म कथा। भक्तों पौराणिक कथाओं के अनुसार भद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान कृष्ण ने माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया था और कृष्ण जी का जन्म मथुरा में कंस के कारागर में हुआ था। तब माता देवकी राजा कंस की बहन थी। कंस को सत्ता का लालच था। उसने अपने पिता राजा उग्रसेन की राजगद्दी छीन कर उन्हें जेल में बंद कर दिया था और स्वयं को मथुरा का राजा घोषित कर दिया था। राजा कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने अपनी बहन का विवाह वासुदेव से करवाया था, लेकिन जब वो माँ देवकी को विदा कर रहा था तभी एक आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस की मौत का कारण बनेगा। ये सुनकर कंस डर गया। उसने तुरंत अपनी बहन और उनके पति वासुदेव को जेल में बंद कर दिया और उनके आसपास सैनिक और पहरेदारी लगा दिए। कंस अपनी मौत के डर से देवकी और वासुदेव की 7 संतानों को मार चुका था। कृष्ण जी का जन्म इसके बाद भाद्रपद महाकृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र अंधेरी रात में भगवान कृष्ण ने देवकी की 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया। श्री कृष्ण के जन्म लेते ही कोठरी प्रकाश में हो गई और आकाशवाणी हुई कि विष्णु जी ने कृष्ण जी के अवतार में देवकी के यहाँ जन्म लिया है। उन्हें गोकुल में बाबा नंद के पास छोड़ाएं और उनके घर एक कन्या जन्मी है, उसे मथुरा लाकर कंस को सौंप दें। आकाशवाणी सुनते ही वासुदेव के हाथों की बेड़ियां खुल गई। सभी पहरेदार सोने लगे। कान्हा को एक टोकरी में बाल गोपाल को रखकर सिर पर रख लिया और गोकुल की ओर चल पड़े। कान्हा को गोकुल धाम ले जाने में वासुदेव को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। यमुना नदी कृष्ण जी के चरणों को स्पर्श करने के लिए उफान पर आ गई, लेकिन चरण स्पर्श के बाद वो फिर से शांत पड़ गई और बाल गोपाल को बाबा नंद के पास छोड़ आए और गोकुल से कन्या को लेकर वापस लौट आए और जेल अपने आप बंद हो गया और उनके हाथों में हथकड़ी लग गई। तब भक्तों कन्या के रोने की आवाज सुनते ही सभी पहरेदार उठकर कंस को बताया। तब कंस बंदी गृह में आया। वह कन्या को देवकी और वासुदेव की 8वीं कन्या समझ उसे मारने चला, लेकिन वो आकाश में उड़ गई और फिर से आकाशवाणी हुई कि कंस को मारने वाला अब इस दुनिया में पैदा हो चुका है। बाबा नंद और उनकी पत्नी माँ यशोदा ने कृष्ण जी का पालन पोषण किया। राजा कंस ने कृष्ण जी का पता लगाकर उन्हें मारने की खूब कोशिश की, लेकिन कंस की सारी कोशिशें विफल हो गई और कृष्ण जी को कोई मार नहीं सका। अंत में श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। राजा उग्रसेन को फिर मथुरा की राजगद्दी सौंप दी। इस तरह से जन्माष्टमी की व्रत कथा पूरी हुई। भक्तों अब आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास आपके लिए कोई उपाय होगा तो हम आपको अवश्य बताएंगे। भक्तों आप जन्माष्टमी पर भूल कर भी ना करें ये गलतियाँ। तुलसी को लेकर ना करें ये गलती। जन्माष्टमी के दिन भूल कर भी तुलसी की पत्तियाँ तोड़ने से बचना चाहिए। दरअसल शास्त्रों में कहा गया है कि कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं और उन्हें तुलसी अति प्रिय है। ऐसे में इस दिन तुलसी की पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए। जन्माष्टमी से पहले आप तुलसी तोड़कर रख लें। बिना तुलसी के जन्माष्टमी का पर्व अधूरा है। भगवान कृष्ण किसी भी ऐसे भोग को स्वीकार नहीं करते जिसमें तुलसी पत्र ना पड़ा हो। ऐसा भोग पाप के समान होता है, जहरीला माना जाता है। और चावल खाना, ये बात तो सभी जानते हैं कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि जन्माष्टमी के दिन भी चावल को खाना वर्जित होता है। मित्रों, चाहे आप व्रत रखें या ना रखें, लेकिन जन्माष्टमी के दिन चावल खाना शुभ नहीं माना जाता और तामसिक भोजन जन्माष्टमी के दिन तामसिक भोजन वर्जित माना जाता है। ऐसे में इस दिन मांस, मदिरा, प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए।
भक्तों, इस दिन गलती से भी लहसुन प्याज का खाना कभी मत बनाना, क्योंकि राहु केतु के कारण ही लहसुन प्याज की उत्पत्ति हुई है और भगवान विष्णु और राहु केतु के बीच में भीषण शत्रुता होती है। भगवान कृष्ण के लिए सभी भक्त एक समान होते हैं, ऐसे में इस दिन किसी भी व्यक्ति का अनादर करने से बचना चाहिए। एक बार भगवान श्री कृष्ण के भक्त ने एक व्यक्ति का अपमान कर दिया था, उसी क्षण भगवान कृष्ण ने अपने भक्त को श्राप दिया था। इसीलिए किसी का भी अपमान ना करें और भक्तों, कृष्ण जन्माष्टमी पर भूल से भी गाय को सताना नहीं चाहिए। गाय भगवान कृष्ण को बहुत ही प्रिय है, क्योंकि कृष्ण अवतार में उनका पालन पोषण एक ग्वाले के घर में हुआ था। ऐसे में जन्माष्टमी के दिन किसी भी गाय और बछड़े को भूल कर भी नहीं सताना चाहिए। भगवान कृष्ण गाय को सबसे प्रिय मानते हैं, गाय माता को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए गाय को इस दिन रोटी, फल वगैरह, मिठाई अवश्य खिलाएं। और दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन केवल सात्विक खाना खाएं। जन्माष्टमी व्रत में दूध और दही जरूर खाएं। व्रत के दौरान ताजे फलों के साथ लस्सी, छाछ या दूध का सेवन कर सकते हैं और तो और नारियल पानी पी सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन पेड़ों को काटना भी अशुभ माना जाता है। दोस्तों, श्री कृष्ण हर चीज में बसते हैं और हर चीज उनमें बसती है, बल्कि हो सके तो इस दिन ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। इससे घर और परिवार में सुख और शांति बनी रहती है। भगवान कृष्ण सदा पीपल के वृक्ष में रहते हैं। पीपल वृक्ष पर जन्माष्टमी पर जल अवश्य अर्पित करें, इससे वो प्रसन्न जल्दी होते हैं। भक्तों, जन्माष्टमी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी होता है। इस दिन पूरे पवित्र मन से भगवान की पूजा करनी चाहिए। कम से कम इस दिन पत्नी से दूर रहना चाहिए। जो पति पत्नी जन्माष्टमी पर एक दूसरे से दूर रहते हैं और संयम और नियम का पालन करते हैं, तो उन्हें एक सुशील और सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। और ऐसे बालक का मुख भगवान कृष्ण की तरह होता है और शरीर भगवान कृष्ण की तरह कोमल। भक्तों, जो लोग इस दिन व्रत रखते हैं तो उन्हें रात में 12 बजे से पहले अपना व्रत नहीं खोलना चाहिए। उससे पहले व्रत खोलने से पूजा का फल नहीं मिलता और व्रत भी अधूरा माना जाता है। भक्तों, अब जन्माष्टमी पर करें इन मंत्रों का जाप। भगवान कृष्ण की कृपा से आपकी समस्त गरीबी दूर हो जाएगी, आप धनवान हो जाएंगे, मालामाल हो जाएंगे। आपके घर में राधा रानी की कृपा बरसेगी और माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। मित्रों, श्री कृष्ण मंत्र क्रीम कृष्णाय नमः। भगवान श्री कृष्ण के इस मंत्र का जाप करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है। ऐसे में जन्माष्टमी के विशेष अवसर पर इस मंत्र का जाप करने से साधक को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करने से भगवान कृष्ण के कान खड़े हो जाते हैं, वो भक्त की पुकार अवश्य सुनते हैं। कम से कम इसका जाप 21 बार अवश्य करें या फिर 108 बार भी आप जाप कर सकते हैं, बहुत शुभ माना जाता है। भक्तों, जन्माष्टमी पर जो स्त्री भगवान लड्डू गोपाल को झूला झुलाती है, उसे अनंत काल तक बांझपन का सामना नहीं करना पड़ता। भगवान लड्डू गोपाल की कृपा से ऐसी स्त्री को सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। मित्रों, जन्माष्टमी पर मोर पंख अवश्य लाएं और मंदिर में स्थापित करें और भगवान कृष्ण की बंसी जन्माष्टमी पर अवश्य लेकर आएं। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो भगवान लड्डू गोपाल के खिलौने आदि जरूर लेकर आने चाहिए, इसे लाना मत भूलना। और जन्माष्टमी पर कौड़ियां आप ला सकते हैं, भगवान कृष्ण की स्थापना कर सकते हैं। दोस्तों, इस दिन गलती से भी किसी भी व्यक्ति को गिफ्ट के तौर पर भगवान कृष्ण को उपहार में कभी मत देना। इससे घर की लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है। और जन्माष्टमी पर सोने, चांदी, तांबल, पीता खरीदारी आप कर सकते हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है। जन्माष्टमी पर पालना अवश्य लेकर आना, इसमें लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाएं। भक्तों, जन्माष्टमी पर तुलसी माता के सामने भगवान कृष्ण के चार नाम जैसे गोपाला, गोविंदा, देवकी नंदन और दामोदर पुकारें और साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। माता तुलसी आपके घर को धन धान्य से भर देंगी। जन्माष्टमी के दिन भोग में मक्खन के साथ तुलसी दल जरूर डालें और वो भगवान कृष्ण को अर्पित करें। मित्रों, जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर नमक का विशेष उपाय करना चाहिए। नमक का ये उपाय करने से आपके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे, गरीबी दूर हो जाएगी, आपकी नौकरी लग जाएगी और संतान प्राप्ति हेतु व्यापार चलाने के लिए ये उपाय जरूर करें। भक्तों, हम भी नमक का ये उपाय जरूर करते हैं। अगर आपने ये उपाय कर लिया तो आपको करोड़पति होने से कोई नहीं रोक पाएगा, भगवान कृष्ण का विशेष आशीर्वाद मिलेगा।
दोस्तों उपाय है एक नमक का पैकेट, 50 ग्राम सूखी लाल मिर्च, 500 ग्राम चावल, 500 ग्राम उड़द की दाल, 50 ग्राम आटा और 11 रुपए की दक्षिणा तथा एक पानी की बोतल और फिर 5 रुपए के काले तिल। बस इतनी ही सामग्री एक थाली में एकत्रित कर लें। भक्तों उसके बाद किसी भी गरीब बुजुर्ग या गरीब महिला को चुपके से दान कर दें और पीछे मुड़कर ना देखें, घर को वापस चले आएं। भक्तों आप यकीन मानो, गुरु परंपरा से प्राप्त ये महा उपाय आपकी काया पलट कर रख देगा। आपके दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी। भक्तों ये उपाय हम भी जरूर करते हैं। पौराणिक पुस्तक और शास्त्रों में लिखा उपाय आज हम आपको बता रहे हैं। ये उपाय जन्माष्टमी के दिन जरूर करें। मैं ईश्वर की सौगंध खाती हूँ, आपका भाग्य उदय हो जाएगा। अगर आपके भाग्य में सुख है तो आपको अवश्य मिलेगा। दोस्तों ये उपाय हमें हर जन्माष्टमी के दिन जरूर करना चाहिए। अब भक्तों बात कर लेते हैं कृष्ण जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल की पूजा कैसे करें। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद प्रभु का अभिषेक किया जाता है। खीरे से बाहर निकालने के बाद लड्डू गोपाल का कच्चे दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद किसी साफ कपड़े से भगवान प्रभु की मूर्ति को पोंछें और उन्हें वस्त्र पहनाएं। अब प्रभु का भूषणों से श्रृंगार करें और उन्हें मुकुट पहनाएं। हाथों में बांसुरी पकड़ाएं, कानों में कमंडल, पैरों में पायल और गले में माला पहनाएं। इसके बाद भक्तों प्रभु पर पीले रंग के विशेष फूल चढ़ाएं और पीला चंदन लगाएं। अब प्रभु को अक्षत, इत्र और फल चढ़ाएं। इसके बाद धूप और घी के दीपक से प्रभु की आरती पूरी श्रद्धा के साथ करें। कान्हा जी को माखन बेहद पसंद है, इसीलिए लड्डू गोपाल को माखन मिश्री और मेवे की खीर का भोग लगाएं। अंत में क्षमा प्रार्थना करें और भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। वहीं जन्माष्टमी पर भजन कीर्तन करने का भी विशेष महत्व होता है। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद पाने के लिए गाय को रोजाना चारा पानी आदि देने का विधान है, लेकिन हर किसी के लिए आज के दौर में संभव नहीं होगा। इसके बावजूद जन्माष्टमी के दिन गाय को चारा जरूर खिलाएं। संभव हो तो घर में बनी पहली रोटी रोज के लिए गाय के लिए बनाएं और समय निकालकर उसे खिलाएं भी। इससे न सिर्फ गौ माता का आशीर्वाद मिलेगा बल्कि भगवान कृष्ण समेत सभी देवी देवताओं का आशीष मिलता है। गाय को सर्वाधिक गुड़ प्रिय है, संभव हो तो गाय को गुड़ चना खिलाएं। जन्माष्टमी के दिन चना गुड़ के साथ सर्वोत्तम आहार माना गया है, इसीलिए क्षमता अनुसार जन्माष्टमी पर गाय को गुड़ चना खिलाएं। इसके अलावा जन्माष्टमी के दिन गाय को स्नान जरूर कराना चाहिए। ऐसा करने से मिलने वाला पुण्य भगवान कृष्ण के साथ साथ 33 कोटि देवी देवताओं को स्नान कराने के बराबर फल देने वाला है। मान्यता है कि जहाँ गाय प्रसन्न होती है वहाँ नकारात्मक ऊर्जा कभी नहीं पनपती। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आपसे फिर मिलूंगी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।